टीचर को बेरोजगारी बंद करो बंद करो बंद करो, डेली वेजर को पक्का करो डेली वेजर को स्वास्थ्य गुप्ता एक्स एमएलसी जिसकी अध्यक्षता में आज का जो प्रोटेस्ट रखा हुआ है महंगाई के खिलाफ सीनियर नेतागण, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने देखा है क्योंकि सब लोग जानते हैं, आजकल कोई भी अनजान नहीं है। जिस तरह मेरे सीनियर नेतागण ने कहा है बताया है कि किस तरह महंगाई आसमान को छू रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कल प्रधानमंत्री जी पल्ली इससे पहले ही नौजवानों ने वहां पर जो मीडिया के सामने आकर जो उन्होंने बातें की भी चुपड़े बातें करके 7 साल से ज्यादा हो रहा है, मैं दे दूंगा मैं वो दे दूंगा, लेकिन महंगाई के ऊपर उन्होंने आज तक एक भी लफ्ज उन्होंने नहीं कहा। तो आज कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट इसी महंगाई के ऊपर ही था, तो मैं अपने जितने साथी सुनने वाले मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि लोगों के साथ डोर टू डोर लोगों से बात करो, लोगों से मिलो, क्योंकि जो इस तरह से उन्होंने वायदे करके कांग्रेस के बारे में उन्होंने उंगली उठाई थी कि कांग्रेस ने 70 साल से क्या दिया, और मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि 70 साल से जो कांग्रेस ने दिया कम से कम उसको ही बचाकर रखते और उनको ही बेचने का प्रयास किया, हमेशा जो बना बनाया था कांग्रेस ने उसको उजाड़ने का काम किया। और हिंदू मुसलमान मेरे साथियों ने बताया कि आज हम इस सरकार को ये जगाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जिस ढंग से आप अपनी सरकार चला रहे हैं ये गरीबों के हित में नहीं है। चाहे आप पेट्रोल की बात कीजिए, चाहे आप डीजल की बात कीजिए, चाहे आप गैस सिलेंडर की बात कीजिए, चाहे बिजली में जिस ढंग से इन्होंने किराए बढ़ाए दिए और बिजली की कटौती कर दी। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पूरे इलाके में 5 घंटे 4 घंटे से 24 घंटों में ज्यादा बिजली नहीं आ रही। आज बिजली की इतनी कटौती हो गई है इतनी कभी नहीं हुई, और जिस ढंग से ये सरकार चला रहे हैं ये गरीबों का भला नहीं कर रहे हैं। और जिस ढंग से 14 महीने में जब ये इलेक्शन जीतने के लिए लोगों से जो वायदे किए थे एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया था। उस वक्त इन्होंने बड़ा कुछ कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम साल का, और रोजगार देने की बजाय जो प्राइवेट इंडस्ट्री यहाँ पर थी वो भी बंद हो रही है, रोजगार कम हुआ है बढ़ने की बजाय, ना इन्होंने रोजगार प्राइवेट दिया ना सरकारी दिया। इसी ढंग से महंगाई पे ये काबू नहीं कर पा रहे। ये छोटा सा नींबू है जो गर्मियों में आदमी सोचता है नींबू पानी पी लूं, ये नींबू पीना भी आजकल मुश्किल हो गया लोगों के लिए। और इस ढंग से जो हाल इन्होंने कर रहे हैं, हर तरफ महंगाई है, महंगाई का बोलबाला है, इनका कोई कंट्रोल नहीं है। और दूसरे आप देखिए कि जिस ढंग से जब हमारी सरकार थी यहाँ पर डेवलपमेंट भी हुई, यहाँ कॉलेज भी बने, मेडिकल कॉलेज भी बने, स्कूल भी बने, आज कितने स्कूल हमारे यहाँ बंद हो रहे हैं, अब रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। यहाँ हमारे समय में जब यहाँ पर हमारी सरकार थी तो जहाँ पर हमने लोगों के लिए राशन देते थे, शुगर देते थे, चीनी देते थे, लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है जो राशन भी बंद कर दिया और चीनी भी बंद हो गई। अब इन्होंने राशन बंद कर दिया, चीनी बंद कर की जितने भी कानून ये बना रहे हैं हमारे बेहतरी के लिए एक भी कानून नहीं बनाया। हमारी स्टेट थी, हमारे इलेक्टेड लोग थे, लोग जो लोगों का भला करते थे, आज जो जिस ढंग से ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर काम कर रही है लोगों की कोई सुनाई नहीं, लोग परेशान हैं, लोग हर मसले में, हमारे जो नौजवान भाई है बेरोजगार है उसको नौकरी नहीं मिल रही है, जो हमारे डेली वेजर कांग्रेस के समय में लगे थे वो भी आज तक इन्होंने पक्के नहीं किए। और इसी ढंग से कोई भी इनका जो प्रोग्राम है आप लोगों जैसा हमारे साथियों ने बताया कि अभी प्रधानमंत्री जी आए थे तो लोगों को ये उम्मीदें थी कि पैकेज देंगे, नौकरी दे के जाएंगे, डेली वेजर को पक्का करके जाएंगे, और बहुत सी उम्मीदें लोगों ने लगाई थी। और इसी ढंग से इन्होंने जो लोगों को वहां पर लेके गए और पूरी मशीनरी सरकारी मशीनरी का जिस ढंग से इस्तेमाल किया, और मुलाजिम लोगों ने चाहे वो टीचरों की ड्यूटी लगाई थी, ग्राम सेवकों की ड्यूटी लगाई थी, और हर जगह लोगों को श्रीनगर तक लोगों को लाया गया सरकारी मुलाजिमों को। 12 घंटे बिजली दे दीजिए, ये वो भी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आज फिर आपको ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, अपने मन की बात करिए, प्राइम मिनिस्टर जी की मन की बात मत सुनिए,
कल हजारों लोगों ने ये उम्मीदें लगाई हुई थी कि प्रधानमंत्री आएंगे, डेली वेजर्स को पक्का करके जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे आशा वर्कर्स को पक्का करके जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे वो बेरोजगारी के लिए कोई पैकेज देके जाएंगे। पंच सरपंच भी इसी खुशी में वहां पहुंचे थे कि प्रधानमंत्री आएंगे और पंचों और सरपंचों को भी कुछ देके जाएंगे, लेकिन मिला वही बाबा जी का ढुल्लू। इसलिए आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप सभी से मेरा निवेदन है कि जरा आवाज उठाइए, एक मत इकट्ठे होकर इस महंगाई के खिलाफ, जो हमें स्पेशल स्टेटस था स्टेट का, वो दर्जा हमसे छीन लिया गया, उसके खिलाफ भी हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए और इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेरोजगारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, डेली वेजर को, डेली वेजर को, डेली वेजर को पक्का करो, पक्का करो, कम करो, कम करो, तेल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, जी।